कुछ देख लिया क्या इसने? अंदर पीछे क्यों जा रहे हैं? तो है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आपके एक नए व्लॉग के साथ। एक्चुअल मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ और ना ही मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझे जानता है मैं कैसा हूँ। तो वो कैसा बोलता था मालूम है आपको? ऐसा जैसे उसको मेरे को बुलाना है, तो ऐसा थोड़ा बुलाता था वो। तो ऐसे दोस्त लोग रहते यार। तो चलो, ये किस्से की बात है। आदर्श का भी एक दोस्त था, वो चलो कोई बात, मेरा भी एक दोस्त था, मर गया वो। नहीं, मेरा वो दिल में ही जिंदा है मेरे से, और बाकी जगह मर गया, बाकी जगह मर गया। वो पता है कैसे बोल देगा? अच्छा चलो, कैसा था आपको जानने का रहेगा, तो आप लोग हैशटैग इसका पेट नेम जरूर कमेंट करना। तो हंसा दिया दो मिनट ने इस लड़के ने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आज सीन ऐसा है कि आज एक सब्सक्राइबर है हमारे बहुत प्यारे, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप भी बहुत प्यारे बन जाओ और हमको ऐसी अच्छी प्यारी चीजें सजेस्ट करो। आज ऐसा है कि उन्होंने शाहरुख भाई को फंसा दिया, मुझे मैसेज किए थे, मुझे बोले पवन भाई शाहरुख भाई को जाओ, उनको बोलो कि कोई पेड़ के नीचे आके टॉयलेट करे। और ऐसा सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है कि टॉयलेट करने से क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अट्रैक्ट करती है। तो शाहरुख भाई, आप रेडी हो कुछ ऐसा झाम पालने के लिए? नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट नहीं करती भाई, एक्चुअली में क्या सीन रहता हूँ क्या, वो झाड़ के नीचे जो रहते ना, कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि एक झाड़ के नीचे बहुत साफ सुथरी जगह होती है, और उसके नीचे अपने को कुछ पेशाब मतलब गंदा चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें बैठी रहती है, भटकती रहती है। तो इसलिए कि बाबा चलो बोला भी कुछ नहीं तो वही सही। तो ऐसा कुछ सीन है। तो आज का व्लॉग देखने में आपको बहुत मजा आएगा। और आदर्श भाई बोलते हैं मैं तो नहीं जाने वाला है भाई, तुमको सोच रहा हूँ जाने का, बट डर लगता है, तुमको जो करना है करो, मेरे को तो डर लगता है। और ये जो पीछे बैठा हुआ है कच्ची गली, इससे तो आप लोग खुद उम्मीद नहीं करते कि भाई उसको तो नाम ही मत छोड़ो, वो क्या जाएगा, वो खुद उधर गया था तो ऐसा कप कप आके गिर गया था, एक जगह गया था, इसको नहीं, तो हम लोग ने उसके बाद से एक्चुअली में ज्यादा करके हम लोग उसको भेजते ही नहीं अभी। हाँ, थोड़ा बस उसको ये रखते कि चल भाई तू प्रेजेंस है, मतलब रहे भाई, तेरे को क्या चाहिए खाने पीने को, सिर्फ तू बर्तन वर्तन मत दिया कर, बस थोड़ा काम कर दे। और बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छी मालिश करता है सर की, सिर्फ सर की, और शाहरुख भाई के पैर भी दबा रहा हल्ली, नहीं हल्ली नहीं दबा रहा मेरी, तो नल्ली दबा रहा है। तो चलो फिर हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आपको वो प्लेस में। आप लोग प्लीज ऐसे करो और व्लॉग को एंजॉय करो एंड तक, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है? चलो शाहरुख भाई रेडी? हाँ भाई पक्का? हाँ भाई चलो जाइए। लेकिन भाई अगर ठीक है चले जाते, एक मिनट लाइट करके जरा इसका फेस दिखा देते, क्या हुआ क्या सोच रहे हो? नहीं भाई सोच नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं ऐसा बोलते है कि झाड़ के नीचे पेशाब वगैरह करना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन ब्रो देखो अभी अपने को तो पता करना है। देखो मैं सबसे पहले एक चीज बताई, वो आप लोग डिस्क्लेमर समझ लो, प्लीज आप लोग ये ट्राई मत करो। नहीं नहीं, ये सब चीजें आप ट्राई, ये सब चीजें आप लोग ट्राई मत करो, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग की गाड़ी वो झाड़ से थोड़ा सा दूर खड़ी है, ये देखो, और जब हम लोग का जब मैं वहाँ से आ जाऊंगा तो फिर हम लोग आपको वो झाड़ नजदीक से देखेंगे। वहाँ पे ना भाई झाड़ के ऊपर से जो ये रहती ना, उसको क्या बोलते भाई, जो ये वैसा लटकते, तो वैसा सब वहाँ पे, तो अभी पहले मैं जाके वहाँ पे देखता हूँ नजदीक में। और सिर्फ आप लोगों के लिए शाहरुख भाई रिक्स ले रहे हैं, रिक्स मतलब सिर्फ यही है कि हमको भी देखना था कि लोग कहते हैं कि पेड़ के पास टॉयलेट करने से कोई आत्मा आपके अंदर चली जाती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी। एक्चुअली में देखे क्या, लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट हम लोग ने ऐसी कुछ ऐसा भी सुना है मैंने कि साफ सुथरी जगह पे तो करना ही नहीं चाहिए, तो हम लोग ने एक ऐसा झाड़ देखा जहाँ पे बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। गाड़ी के अंदर देखो क्या गया, भाई बंद कर दो ना, मेरे को खुद डर लग रहा है। अरे वाह, मैं क्या बोल रहा था, मैं भी आता हूं शाहरुख भाई के साथ। क्या? मैं भी आता हूं। तू जाएगा? जाता शाहरुख भाई के साथ। चलो क्या करेगा, टॉयलेट करने जाएगा, मतलब साथ में देखता हूं ना कुछ अगर नेगेटिव। हां ठीक है जा फिर। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं मैं अकेला जाता हूं। तुम जाओ शाहरुख भाई, ये बोलने की बात है, अभी तक फाटा था, अभी बैठा बराबर बोला, मैंने डर रहा था, अभी तक अकेला जाने में थोड़ा सा मालूम पड़े। तुम जाओ ना, तुम जाओ, हम लोग इधर से देखते हैं आराम से, दरवाजे को लगा दो भाई, अकेले जा रहे हैं भाई। तो शाहरुख भाई ये देखो निकल चुके हैं अकेले,
और आप लोग खुद देख सक रहे हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब सीन ऐसा है कि ये देखो, आप लोग के कहने पे ही, आप लोग के वजह से ही हम लोग ने शाहरुख भाई को भेजा है यहाँ पे। और जैसे आप लोग का कहना है कि आप लोग बोलते हो कि अगर मतलब टॉयलेट करते हैं, मतलब लोगों का कहना है, मानना है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको कैच करती है अगर आप किसी पेड़ के सामने जाके, अरे क्या हुआ इसको, कुछ देख लिया क्या इसने? पीछे अरे ए, ए, क्या हुआ उसको है? भाई कुछ तो हुआ है, भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ? समझे भाई है? भाई इधर पे आवाज आएगा भाई, इनको पूरे देखो, आंख के पूरे बाल खड़े हुए मेरे है? वहाँ पे ना भाई टक करके कुछ तो आवाज आई और मैं वहाँ पे पेशाब करना चाह रहा था भाई, लेकिन 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 तेरे चेहरे पे हंसी भी थी, मतलब तेरी फटी भी है और तेरे चेहरे पे हंसी भी आ रही थी, सीन क्या है? मतलब मैं पेशाब करना चाह रहा था भाई, मैं मतलब एकदम से मतलब एक काम करता हूँ, चल चलते, लेट्स सी, चल आ जा, चल अभी मैं भी चलता हूँ। अभी क्या कट सब हिलने लगे रूट से, हाँ जो ए भाई साहब, हाँ 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 हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। तो चल ना भाई, देखते हैं ना क्या सीन है। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल चुके हैं और सिर्फ यही देखने के लिए, तब मैं वहाँ पे ना पेशाब करने के लिए जिप खोला, बट मेरे को पेशाब बहुत जोर से आई थी बट हो नहीं रही थी, और जैसी मतलब मैं ये करने का ना, तो भाई वहाँ पे ना ऐसा टक करके बहुत जोर से आवाज आई भाई। भाई ये देखो हम लोग कितना नजदीक है, कितना करीब है, ये देखो ये पेड़ है और ये पेड़ का देखो सारी चीजें एकदम निकली हुई है और भाई हिल रहा है अलग से, देखो आप लोग खुद देख लो, पहले नहीं हिल रहा था भाई। हाँ नहीं नहीं पहले मैं खुद बता रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप लोग देख लो कैसे हिल रहा है, ये देखो कैसे हिल रहा है, देख रहे हो? लेकिन भाई और आप लोग, आप लोग खुद देख लो, देखो अभी ये तो हमको पता करना था लेकिन हम लोग ने किया नहीं। और देखो सिर्फ हमारी गाड़ी आपको इधर नजर आती है, पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेड़ है। तो शाहरुख भाई एक बार, अभी मैं भी तो खड़ा हूँ, अभी आप कर लो एक बार। नहीं भाई मेरे को, मैं कसम से भाई आवाज सुना भाई, आवाज भाई। एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, इसके बारे में हम लोग किसी दिन और पता करेंगे, लेकिन प्लीज आप लोग ये सारी चीजें ट्राई मत करना। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कभी और ट्राई करते हैं, किसी और दिन ट्राई करते हैं, शायद में भी ऐसा हो सकता है कि देखो अभी आवाज भी आया, एक बार डे में आके इसके बारे में एक्सप्लोर करें क्या? सुने ए, हाँ 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 आवाज आया, आवाज आया, आवाज आया, आवाज आया, आवाज आया, और ये पूरा पूरा देखो हिलने लगा है शाहरुख, जब ये आवाज आता ना भाई, ये पूरा हिलने लग गया भाई, जैसी आवाज आती ना ये पूरा हिलने लगता है, देखो ये पेड़ देखो पूरा हिलने लग चुका है, देख रहे हो? जैसी आवाज आती ना ये पूरा पेड़ हिलने लगता है भाई साहब, शायद ये पेड़ सही नहीं है, ये सारी चीजें पता करने के लिए। देखना तुम आवाज आएगी ना टक करके, हाँ हाँ हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, और तेजी से हिल रहा है, तेजी से हिल रहा है भाई, बहुत तेजी से हिल रहा है, ये देखो भाई पत्ते भी गिर रहे हैं भाई, भाई 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 गलती तो नहीं कर दिया ना कुछ? नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुमने किया तो भाई पत्ते भी गिरने लगे भाई। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, मैं आगे देख रहा हूँ, आप लोग कैमरे पे देखते रहो, मैं तो आगे की तरफ देख रहा हूँ। भाई मतलब भाई पसीना देखो यार, पूरा मतलब भाई नाक चीज देख लिए, मतलब भाई आदर्श भाई तो बोलने जा रहे थे चूतिया, चूतिया गिरी हुई जो हम लोग गए उधर, ऐसा हो गया। देखो नहीं लेकिन भाई नहीं नहीं शाहरुख भाई, मैं ना सिर्फ उससे पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज 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 आप लोग ये सब मत करो, ये भाई तो सुसु भी नहीं किए वहाँ पे, इनकी फट गए, इनकी सुसु निकली भी नहीं होगी। नहीं एक्चुअली में ना क्या होने क्या, मतलब मैं एक्चुअली पेशाब करने गया ना तो भाई मेरे को बहुत जोर से आई थी, और उसके बाद में जब मैं करने गया ना तो मेरे को ना भाई ऐसा कुछ हो रहा था ना कि मेरे को लगी तो है पकड़ लिया, बट ना भाई मेरे को हो नहीं रही है, और उसके बाद में ना भाई मेरे को ना ऐसी टक करके आवाज आई। नहीं वो तो मैंने भी सुनी ना भाई, वो मैंने भी सुनी टक करके आवाज, वो जो झाड़ के पेड़ वो सर, हां वो सारी चीजें हिलने लगी, हिलने लगी। और उसके बाद में मैं गाड़ी में आके बैठा ना, थोड़ी बहुत हिल रही थी, उसके बाद में पवन में हम लोग साथ में गए ना तो बहुत तेज, तो भाई वापस से आवाज आई और फिर सब भाई मैं, अच्छा मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, अभी आदर्श पसीना पसीना और भाई इसी आदर्श आदर्श हुआ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टॉयलेट किया नहीं तब इतनी हलचल होने लगी, अगर होता तो क्या होता, होता तो कुछ होता तो मैं नहीं होता, सोचे होते ये होते पर इनके अंदर आत्मा घुस जाती। मेरा भाई मतलब एकदम से ना मतलब बहुत राशि तेज रहे, समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं
भाई इसके लिए मैं भी खुद उतरा, मैं उसके बाद भी शाहरुख भाई को बोला कि अगर एक बार ट्राई और गाड़ी की एसी चालू है भाई फिर भी इतना मतलब पसीना पसीना मतलब मेरे को ना भाई एकदम से। और इनको ऐसा तुरंत अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि भूत घुस गया अंदर तो तुरंत ही मार डालेगा, फिर वो आराम से रुकेगा, घर पे जाएगा, घूमेगा, फिर बहुत सारी चीज होती है। मतलब पहले नेगेटिव वाइब्स मिलती है, फिर बाद में घर पे आके पॉजिटिव हो जाती है और सीधा आसमान। उसकी कोई जो मनोकामना बाकी है वो पूरी कर ली। डर लग रही ना भाई, मैंने मतलब मेरे को ना भाई एक बार आवाज आई तो मैं सोचा चल कुछ बॉटल वगैरह रहेगी, बाद में भाई वो सब हिलने लगा, फिर दूसरी और वापस आवाज आई ना, तो उसके बाद में फिर मैं गाड़ी की तरफ आया और मेरे को ना भाई कैसा मतलब अलग ही ये हो रहा था। तो मैं इसके लिए और जब मैं ऐसा मुड़ा तो गाड़ी की हेडलाइट एक्चुअली मैं अपर में थी जो झाड़ के लिए था, तो अपर में आग के ऊपर थी, तो मेरे को गाड़ी का हैंडल नहीं मिल रहा था मतलब खोलने के लिए। और कभी कभी ऐसा रहता मालूम है भाई, एक जगह पे ना दो तीन लोग भी रहते तो भूत मतलब भाई आत्मा है या जो भी आत्मा भूत, तो कोई कोई जैसे बहुत लगा सब सुनते कि कोई कोई अच्छे रहते, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे तुम बोले मैं टॉयलेट करने जा रहा था पर मेरे को हुआ ही नहीं, तो मतलब वो हाँ वही तुमको रुका है, वही तुमको रुका है कि मैं भाई इधर मत करो, सही बोला ये भाई कि भाई थोड़ा बच जा भाई, तूने सही बोला। वो देख कितना जोर आ गया उसके अंदर कि हाँ ये सही हो सकता है, मैं भी बोल देता हूँ मेरे को भी कुछ पॉइंट मिल जाएगा। जो अपने को उस चीज में नहीं ढकेलना चाहती है ऐसा भी होता है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको अगर वीडियो पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज 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 100 बार बोला जा रहा है कि आप लोग ये सारी चीजें मत ट्राई करो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आपको, मत ट्राई करो कभी नहीं है भाई, क्योंकि भाई और अच्छा अच्छा चलो एक चीज और बता रहा हूँ, अगर किसी को समझो बीच रास्ते पे अगर सुसु आ गई तो कहाँ करेगा? नहीं नहीं भाई आप लोग लाइट के अंदर करो, नहीं अगर समझो जो रास्ते पे शौचालय नहीं है ऐसा कुछ नहीं है तो भाई आप लोग रास्ते के बाजू में करो, किसी झाड़ के नीचे या कोई चीजें साफ सुथरी दिखती है तो वहाँ पे आप लोग पेशाब वगैरह करो मत, ऐसा रास्ते झाड़ के पास तो करो ही मत, झाड़ के पास ओके समझ गए, क्योंकि भाई सवाल तो मैंने लिया हुआ पहले तो करो मत, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। बहुत पूरा हुआ यार।